हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ सुप्रियाज कॉर्नर में। आज मैं आप सभी के लिए वेज पकौड़े की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि फटाफट बनने के साथ साथ आसान भी है और टेस्टी भी लगता है, साथ ही साथ सबको पसंद भी आता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए आधा पत्ता गोभी, एक आलू, चार हरी मिर्च, तीन प्याज और 10-12 लहसुन की कलियाँ हैं। इन सबको चॉपर में डाल करके फाइनली चॉप कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आप सभी को पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। पकौड़े कोई से भी हो, आलू के या प्याज के सिंपल वाले या मिक्स वेज पकौड़े, सिंपल तो होते ही हैं, साथ ही साथ हेल्दी भी होते हैं। आप चाहे तो इसे बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं सेलो फ्राई करके। बच्चों को ये पकौड़े काफ़ी पसंद आते भी हैं। इस तरह से सब्जियों को फाइनली चॉप कर लेंगे। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में खाली कर रही हूँ। इसमें मैं 4 चम्मच बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा, जीरा, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल देंगे, साथ ही साथ कसूरी मेथी भी थोड़ी सी, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सबको डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे ऐसे ही मिक्स कर सकते हैं। इसमें आपको जो सब्ज़ी पसंद हो वो डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा बेसन की भी नीड नहीं होती है। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है और अच्छे से बाइंड भी हो रहा है। अब एक तरफ तेल को गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही पकौड़े डालना शुरू कर देंगे डीप फ्राई के लिए। अब इसे अलटते पलटते गोल्डन फ्राई होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे, फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे। आप चाहे तो इसे सेलो फ्राई या एयर फ्रायर में फ्राई कर सकते हैं, दोनों ही तरह से ये हेल्दी होगा। मैं तो इसे डीप फ्राई की। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। जितना अच्छा कलर है उतना ही कुरकुरा ये बनता भी है। तो अब इसे छान कर अलग कर लेंगे। विंटर सीजन हो और बारिश का सीजन हो, पकौड़े खाने के लिए कोई ना नहीं बोलने वाला। सभी को पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। सेम प्रोसेस से मैं सेकंड बैच भी फ्राई कर लूँगी। इसको भी अलटते पलटते गोल्डन फ्राई होने तक तलेंगे। सेकंड बैच के पकोड़े भी अब रेडी हो गए हैं, तो इसे भी छान कर निकाल लेंगे। इस तरह से सारे पकोड़े तैयार हो गए हैं, तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। है ना ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी और झटपट बनने वाली और साथ ही साथ टेस्टी भी। मैं यहाँ इसे हरी चटनी के साथ सर्व की हूँ, साथ में गर्मा गर्म चाय हो तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। आप चाहे तो इसे टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दोनों के साथ ही ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आई होप मेरी ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, तो एक बार मेरे कहने पर ज़रूर से ट्राई करना और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।